राम राम दोस्तों, प्रणाम। हम स्वागत करते हैं आप सबका अपने YouTube चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। तो आप सब पहले सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी बनी है बगले ओके जरूर दबाए दी है। तो उसे कह रहे हैं कि जितना भी हमारा वीडियो जाल करी आप सबके सबसे पहले पता चल जाए इकट्ठे से। तो ऐसे ही अपन प्यार दुलार देते रहें, हमें ऐसे अपना आशीर्वाद बनाए रहें। बड़न के प्रणाम, छोटन के आशीर्वाद। और चलिए देखें, कुछ न कुछ तो दिखाएंगे ही, क्या दिखाएंगे, कुछ अलग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें मुझ पर और मेरे वीडियो को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें मुझे। चलिए फिर दिखाते हैं। सुबह की शुरुआत इसी से करने जा रहे हैं हम सभी लोग। इसके बाद बनाएंगे एप्पल और बनाना शेक ड्राई फ्रूट के साथ। वाह मम्मी, आज आप तो हमेशा कॉटन का पहनती हैं, आज क्या पहनी है? आज ये साड़ी बहुत खास है, इसके साथ कुछ यादें जुड़ी हैं। अच्छा, क्या यादें? ये जुड़ी हैं कि जब 2012-13 में कुंभ लगा था तो उस टाइम एक दीदी आई थी राजस्थान से, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी दीदी हैं। उनका स्वभाव इतना अच्छा, आज भी हम लोग जुड़े हैं दीदी से, और उन्होंने ये साड़ी मुझे गिफ्ट किया था कि सुनीता आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, आप इसको पहनना। और राजस्थान में वो साड़ी, ये साड़ी दिया जाता है जिन औरतों को बेटा हुआ रहता है, तो सब लोग ये साड़ी पहनाते हैं। यही कलर साड़ी बरही छट्टी में वो पहनती है महिलाएं। तो ये श्यामा शर्मा दीदी राजस्थान, जहाँ श्रीनाथ टेम्पल है मंदिर, वहाँ से उन्होंने दिया है। अच्छा, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, तो बहुत दिनों बाद इसको पहने, कम से कम नहीं, कुछ 6-7 साल बाद निकाले हैं, आज डाले हैं। और 2012-13 में दी थी, 22 साल हो, अरे कितना, 10 साल हो गए दीदी को आए। आज भी हमारा दीदी का रिश्ता बना हुआ है, आज भी हम दीदी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, फेसबुक से, व्हाट्सएप से और फोन पे। बढ़िया, निकालते हैं इसको, अच्छी लग रही है। ये सब कलर अच्छे कलर होते ही हैं। आइए आज कुछ अलग तरीके का कोहड़े पालक की सब्जी बनाते हैं। कुछ थोड़ा अलग सोच के रखा है। कढ़ाइया चढ़ाएं, पंचफोरन डालें हैं, थोड़ा सा हींग डाल दीजिए। हींग पेट के लिए फायदा करता है, ये हींग हो गया। अब क्या डालेंगे, मिर्चा या लहसुन? पहले मिर्चा डालते हैं। डाल दीजिए। हम तो दूर हट गए, लहसुन डालेंगे ना, अदरक। अच्छा, डाल दीजिए अदरक। हमको लगा प्याज डालने जा रहे हैं। प्याज नहीं, अदरक थोड़ा डाल दें। डाल दीजिए लहसुन, पक जाए थोड़ा उसको। अब अदरक डालेंगे? अदरक है, अदरक डाल दिया। उसके बाद लहसुन डालेंगे। मिर्चा पूरा डाल दिए होते हैं? पूरा नहीं डाले, सोचो। अरे ठीक है, थोड़ा चटपटा बनेगा ना, क्योंकि आलू बिल्कुल नहीं डालेंगे, केवल मसाला तो डालेंगे ही नहीं, सादा चोल बनाना है। खाना बनाते बनाते चाय भी साथ में थोड़ा रहेगा, बढ़िया रहेगा। ये तो काम बताओ, क्या काम बताओगी? ठीक है, अब इसी में पड़ेगा टमाटर। डाल देते हैं, डाल देते हैं। तब तक पालक में काट ले, पालक काट ले। अभी नमक बाद में डालो, नहीं डालो, डालो। अब पालक डाल दें ना, ताकि कोहरा भी गले। अब इसी में डाल दीजिएगा मूंग की दाल। अब इसमें दिमाग में आज कुछ अलग थोड़ा बनाए,
डाल दीजिए। अब चला दीजिए। लोहे करहिया हम इसलिए बनाते हैं कि एकदम लोहे करहिया हम खाए तो हमें कम आयरन की कमी ना आए। और पूजा अर्चना सर के आयरन की कमी बताया था। अब नमक डाल दीजिए, एक चम्मच डाल दीजिए बस, पर्याप्त रहेगा क्योंकि दल को खुद ही कम होगा और कम नहीं ठीक है, ज़्यादा हो जाए तो बेकार लगेगा। और चला के ढक दो। के लिए रोटी जौन वह बाटी के भरावन रखे रहे, तो बाटी खाबे नहीं करवा तो सोचे थे एक भर भर के बेरहन सेक दिया जाए। बाबू तुम्हारे खन बाटी ना खावे तुमका अच्छा, लेकिन एक एक खाई है क्या है ये? ये मतलब बिना तेल के हाँ। इधर बीच बहुत तेल है, तेल पूरी पराठा हुई के कुल तो एक बेरहिन कही जाती है। बाटी वाला नहीं भरावन बना के उस दिन रखे थे वही है, तो वही के ये बेलना सही फंसा हुआ आदत हो ना इतने पतले बेलना से बेले के। इस तरीके एक चूल्हे पे बनता है लेकिन हम लोग गैस पे भी बनाते हैं, फूला तो कैसे नहीं। डैडी से बहुत गलत है, खरी खरी सब्जियां का हलवा तो सब्जियां देख ले पहले। देखा चीजें देख ली फिर दूसरी बात में देख ली सारा काम डैडी कर रहे हैं हम तो बैठ के यहाँ घास छीले थे। छुट्टी क्या ले लिए, सब लोग वही काम करा रहे हैं। जरूरी न करी है तेज कही। अच्छा तेज कही बन जाए नंबर एक का बन जाए का मतलब बने तो आप बन भी करें। अरे जब पक जाए तैयार। तो मैं दालों मिल जाए, सब्जी मिल जाए, हरी सब्जी कोहड़ा मिल जाए, हल्के बनवाए दशावल दाल रखी चावल खाने ना हमें सुबह। मैं दाल सब्जी सब मिल गया, हरी सब्जी ये बात हमारे यहाँ तैयार बा। बेरहिन सत्तू को बेरहिन अभी तो इतने घी लगाए तो मन करे। फूलत खूब सेकत के वह महाराज सेकत मामली बात है, महाराज सेके और पराठा फूले न पूरी। ये सब्जी फर्स्ट क्लास तैयार, लगा लो अच्छू बस करो, तीनों लोग मिलके खा लेंगे। ये नींबू का अचार है और ये करौंदा का, अब नम नम होगा, खा के भी दिखाओ ये कैसा बना है। नंबर वन खुद ही बनाया तो नंबर वन ही बनाओ मेरारू नालायक मिली अब का करिए, बने खाए पड़े ड्यूटी करे पड़े खाओ बनाओ पड़े।